एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पार्ट हमारा आता है टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या एडवांटेजेस होते हैं कि ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? देखो वैसे भी तुम्हें पता है कि अब तक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप था तो उनके अंदर मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर तो ये बात मैंडेटरी है, जरूरी है, ऑडिटिंग कराना जरूरी है. फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर इन मैनेजमेंट. देखो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स एंड मैनेजमेंट अलग होता है. अब मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, मैनेजर्स जो काम करें, जरूरी तो नहीं है ना शेयर होल्डर को उनकी बात पे यकीन हो जाए. तो अगर ऑडिटर होगा, अगर उसने अपनी रिपोर्ट पर टेक कर दी, तो क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी जो काम तुमने किया है मैनेजमेंट ने वो काम ठीक है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के अंदर जो ये क्या होता है कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं डिविडेंड, अगर हमने ऑडिटिंग करा ली तो उसके अंदर हेल्पफुल होगा, इजिली हम डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड. अमलगमेशन अब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन के टाइम जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अगर अमलगमेशन करें, अमलगमेशन का क्या मतलब होता है कि अगर बाई चांस ए कंपनी है ठीक है और बी कंपनी, ये दोनों मिलकर अमलगमेट करना चाहते हैं या कि कंपनी सी बनाना चाहते हैं, न्यू कंपनी जब क्रिएट होती है, जब भी न्यू कंपनी क्रिएट होती है तो उसके उसका क्या मतलब होता है अमलगमेशन. जब ये होगा अमलगमेशन कभी हो तब हो सकता है जब ए कंपनी ने भी अपना ऑडिट करा रखा है, बी ने भी अपना ऑडिट करा रखा है और वो दोनों मिलकर क्या कर रही है अमलगमेट करके न्यू कंपनी फॉर्म कर रही है. अब्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि बाई चांस मान लो एक हच कंपनी है एंड एक वोडा कंपनी है. जो हच कंपनी वो छोटी कंपनी है और वोडा जो एक बड़ी कंपनी है, तो वोडाफोन क्या करेगी, अच्छा हच कंपनी को एक्वायर कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, एंड वोडाफोन कंपनी इसको ऑब्जर्व कर लेती है और अपना बिजनेस शुरू कर देती है. तो ये अब्सॉर्प्शन होगा. अगर इन दोनों का ऑडिट हो गया तो क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया, इजिली ये काम कर सकते हैं, विश्वास हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर ऑडिटिंग कराने से. रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि इंटरनली ही हम अपने अकाउंट्स को के साथ जो है जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर हम छेड़खानी करते हैं ठीक है, इंटरनली करते हैं, एक बस ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर ही अंदर हम जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ठीक ठाक करते हैं वो इंटरनली होता है. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये दोनों ना सेम कंपनी के ही अंदर होता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी. एक्सटर्नल कंपनी के अंदर क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि पहले एक एक्सिस बैंक तुम अब सुनते होगे एक्सिस बैंक, तो जब ये एक्सिस बैंक था तो इस सब पहले कि यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, यूटीआई बैंक के नाम से ठीक है. तो यूटीआई बैंक में क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी जिसकी वजह से इसको अपना नाम चेंज करके एक्सिस बैंक नाम कन्वर्ट करना पड़ा था, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा था और फिर ये क्या हो गया था. तो हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग के अंदर अगर हमने ये काम करा रखा है, ऑडिटिंग करा रखी है, तो ईजिली हम ये सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं. थैंक यू.